इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न करेंगे और इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया वर्ग समीकरण। तो ये वर्ग समीकरण दिया गया है। अब वर्ग समीकरण की तुलना हमारा पहला स्टेप जो होता है, इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है वर्ग समीकरण से तुलना करना। वर्ग समीकरण होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो पहला स्टेप यही है कि हम अपने समीकरण की तुलना, जो हमारा समीकरण दिया गया है उसकी तुलना वर्ग समीकरण से करें। तो आइए हम लिखते हैं उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से करने पर। तो हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं। अब वर्ग समीकरण की तुलना करने से हमें यहाँ पर पता होता है, यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है, a का मान कितना है 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये a का मान है, ये पूरा का पूरा b का मान है और ये पूरा c का मान है। तो चलिए x बस नहीं लिखना होता है, बाकी सभी a b c के मान होते हैं। यहाँ पे a का मान आपको मिलेगा 3, बी का मान मिलेगा आपको -4 अंडर रूट 3 और सी का मान मिलेगा +4। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का मान है 3, बी का मान है एक्स का पूरा गुणांक यानी कि -4 करनी 3। तो आप यहाँ पर लिखोगे -4 करनी 3 और सी का पूरा मान है 4। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4। अब इसके बाद हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तकर लगाना होता है और विविक्तकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी वर्ग -4ac। तो आइए अब हम विविक्तकर के फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इसलिए विविक्तकर विविक्तकर डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। तो ये विविक्तकर आ जाता है। अब यहाँ पर हम ए बी सी के मान रखकर विविक्तकर को ज्ञात कर सकते हैं। तो डी हम यहाँ लिख लेते हैं, डी बराबर बी का मान है -4, -4 और अंडर रूट 3। ये तो है केवल बी का मान, लेकिन बी पर सूत्र में वर्ग लगा है तो हम लोग वर्ग लगा देंगे। माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस लगाना है और 4 लिखा है तो 4 लिख देना है। ए का मान आपको यहाँ से देख लेना है 3 है तो आपको ये ब्रैकेट में रख देना है और सी का मान भी 4 है तो ये भी आपको ब्रैकेट में रख देना है। तो डी बराबर मिलेगा, यहाँ पर लिखा है -4 अंडर रूट 3 का वर्ग। तो आइए इसे रफ में समझ लेते हैं। -4 अंडर रूट वर्ग के लिए हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दो बार लिखना होता है -4 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई -4 अंडर रूट 3। दो बार लिख लेते हैं। सबसे पहले चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस का प्लस। सेकंड नंबर पर संख्या का संख्या में, चार चौके 16। तीसरे नंबर पर करणी का करणी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करणी 3 और करणी 3 समान संख्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 16 * 3 = 48, ये फाइनली आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 48, माइनस लगा है तो माइनस, 4 * 3 = 12 और 12 * 4 = 48, ये भी 48 आएगा। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो यहाँ पर डी का मान जो है वो 0 मिलेगा। तो हम लिखेंगे, ऐसी स्थिति में हमारी जो शर्त थी वो कहती है यदि डी बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक एवं समान। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इस तरीके से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं और चूंकि ये वास्तविक मूल है इसलिए हम इनको ज्ञात भी कर सकते हैं और इसके लिए हम सूत्र विधि के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो सूत्र विधि का सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र विधि से
सूत्र विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी धन ऋण। अब यहाँ पर हम अंडर रूट डी ही लिख देंगे क्योंकि हमें बी वर्ग ऋण 4ac ही लिखना है, तो वो डी ही कहलाता है, बटे 2 गुणित a यानी 2a। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर के नीचे बराबर माइनस बी माइनस, और बी का मान हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं, बी का मान है -4√3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -4√3 प्लस माइनस, और जो बी वर्ग ऋण 4ac होता था अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमारा फॉर्मूला होता था x बराबर माइनस बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता था, बटे बटे आ जाता था 2a। लेकिन बी वर्ग ऋण 4ac को हम विभक्त कर बोलते हैं, इसलिए इसकी जगह पर हम डी रख देते हैं, बाकी पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसलिए नया फॉर्मूला बनता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और बी वर्ग ऋण 4ac को लिख देते हैं डी बटे 2a। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, डी जो है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है और डी का मान आया है 0, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अंडर रूट 0 बटे 2 गुणित a का मान आप देख सकते हैं कि 3 है, तो इस तरीके से यहाँ पर जमा देना है। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 4√3, 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा इसलिए प्लस माइनस भी हट जाएगा, तो ये सब हट जाएगा, नीचे आएगा 3 × 2 = 6। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 2 × 2 = 4√3 और 2 × 3 = 6 यानी कि आएगा 3। तो 3 बार ये 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6 हो गया है, तो 2√3/3। इस 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2√3/√3 × √3, इसको 2 बार आप लिखोगे तो 3 बाहर ही आएगा, यानी 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर का अंडर रूट 3 जो है उसको कैंसिल करना है, इसलिए हम इसको √3/√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाले 3 को इस तरीके से 2 बार लिखेंगे तो 3 बाहर ही आएगा, तो यही बनेगा, ऊपर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2/√3। तो यहाँ पर हमें मूल मिलता है, जो x का मान मिलता है वो है 2/√3, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मूल जो होगा वो होगा 2/√3। तो यही 2 बार भी आ सकता है, तो यदि आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो यही मान आएगा, लेकिन 2 बार आएगा। सूत्र विधि से केवल एक ही बार है, इसका मतलब एक ही मूल है 2/√3, और इसी से ये समीकरण सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से करना है और ABC के मान निकाल लेना है, उसके बाद आपको विभक्त कर ज्ञात कर लेना है, और यदि मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं तो आप उनको ज्ञात कर सकते हैं सूत्र विधि की सहायता से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।